मुनिषि, ये प्रश्न तो हमारे लिए है, आपके लिए तो केवल कौतुक है। बस थोड़ा सा हमें अगर अपने होठों से, अपने कुछ शब्दों के माध्यम से हमें बता देंगे तो हमारा जीवन मार्ग को प्राप्त करेगा। मुनिषि, ये जीवन एक त्रिकोण में जिया करते हैं हम। एक जीवन होता है, दूसरा परिवार होता है और तीसरा देश होता है। इस त्रिकोण में हम जिया करते हैं। मुनिवर बताएं कि जीवन, परिवार और देश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं? मुनिषि, बड़ा सुंदर सवाल इन्होंने किया है। देश की समस्या, परिवार की समस्या, जीवन की समस्या, देश की बहुत सारी समस्याएं, गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, सांप्रदायिकता है, कुपोषण है, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन मुझे लगता है जिसे मैं सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखता हूं और उस समस्या के समाधान के लिए विचार करता हूं, मेरा अपना मानना है कि अगर देश के मुसलमान देश की मूल धारा से जुड़ जाएं, तो देश की आदि समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आम मुसलमान ही देश की समस्या नहीं है, बल्कि जो कट्टरपंथी मुसलमान है वो देश के लिए बड़ी समस्या है। और मैं कहूंगा कि जो बात बात में अल्लाह की दुहाई देते हैं और देश के विकास में रोड़े अटकाते हैं, ये कट्टरपंथी मुसलमान की पहचान है। ऐसे मुसलमानों से सामाजिक समरसता की उम्मीद करना बेमानी है। मेरा अपना मानना है अगर देश को विवेकानंद जैसे हिंदू और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान मिल जाए, तो दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकती है। चलिए, सचमुच यही होना चाहिए, क्योंकि जले दीप फूल बहके चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार दूंगा जरा तुम मुस्कुरा दो, ऐ समय के चांद तारों न सवारो, मेरा जीवन मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। देशवासी देश को जगमगाते हैं। मुनिषि, एक सवाल और है। बहुत से लोगों के जीवन में कई तरह की उपलब्धियां आती हैं, किसी के हिस्से में नाम आता है, किसी के हिस्से में पद होता है, किसी के हिस्से में यश होता है, किसी के हिस्से में धन होता है। अगर इन उपलब्धियों पर हम गर्व करते हैं तो शायद कोई बात नहीं, लेकिन उस पर अहंकार करते हैं तो बात कुछ दूसरी हो जाती है। तो मुनिषि, मैं जानना चाहता हूं, ये सब लोग यहां जानना चाहते हैं कि ये उपलब्धियों पर ये जरा सा नाचीज सा आदमी इतना अकड़ता भला क्यों है? मुनिषि बताए। देखिए, आदमी की औकात एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। चक्रवर्ती के चपरासी जैसी भी आदमी की हैसियत नहीं है, लेकिन अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझता है। मैं कविता के रूप में चार पंक्ति बोलूंगा, आदमी की औकात क्या है। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में सब राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम मर गया, एक बूढ़ा बाप शाम मर गया, परिवार के नाम अपनी सारी जिंदगी कर गया, कहीं रोने की सुबगाहट तो कहीं फुसफुसाहट, अरे जल्दी करो कौन रोएगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा, मेरी मौत पर कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे, तो कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे मेरी मौत पर कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे तो कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे भला आदमी था बेचारा चल बसा, होगी चार दिन बाद
बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा 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 बड़ी तस्वीर बनवाएगा, सामने अगरबत्ती भी लगाएगा, खुशबू माला होगी, अखबार में अश्रु पुरुष श्रद्धांजलि होगी, पर बाद में उस तस्वीर के कौन करेगा जारे साहब, बस इतनी सी है आदमी की औकात। पैसा बैंकों में पड़ा होगा, नौकर हाथ जोड़े खड़ा होगा, पत्नी दरवाजे तक जाएगी, तिजोरी हंस रही होगी कि देखो जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, आज हो गए निधन। बस इतनी सी है आदमी की औकात। तो आदमी की औकात बहुत छोटी है, लेकिन जब आदमी इस बात को भूल जाता है कि जो उपलब्धियां उसे मिली है वो हमेशा के लिए नहीं मिली है, थोड़े थोड़े वक्त के लिए मिलती है, अगर इस बात को याद रखे तो आदमी कभी अहंकार ना करे, और अहंकार भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। धन बहुत सुंदर, हम जीवन भर धन धन की बात करते हैं, जब निधन हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। और बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति को अपनी प्रशंसा के लिए कभी भी मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम जीवन में कुछ ऐसे काम करें कि सही अर्थों में हमारी बात हो। हम खुद अपनी प्रशंसा क्यों करें, क्यों ना दूसरे लोगों को यह अवसर दें। प्रशंसा तो भैया मरघट में मिलती है, जब तक आदमी जिंदा रहेगा उसको प्रशंसा मिल ही नहीं सकती, नहीं मिल सकती, मरने के बाद ही उसकी यश बढ़ता है, तारीफ होती है, जीते जी नहीं मिल सकती है। बिल्कुल है, जीवन की। और हमारी तो आदत है कि मरने के बाद ही उसकी जयंती मनाएंगे, जीते जी हम किसी की जयंती नहीं मनाते। चलिए, जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई मुनिषी ने अपने श्रीकंठ से कही है। मुनिषी आप हमेशा कहा करते हैं कि हमें हंसते और मुस्कुराते हुए जीवन बिताना चाहिए, और किसी ने कहा भी है कि मुस्कुराहट में बिजली से कम खर्चा आता है लेकिन रोशनी बहुत ज्यादा आती है, मुस्कुराहट का कोई बिल नहीं आता। हमें हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहेंगे, और ये जीवन जीना मुनिषी हमें सिखाते हैं। मैं मुनिषी से निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में आज आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा हो हंसता मुस्कुराता हुआ जीवन। मुनिषी बताओ। मैं अपने प्रवचनों में अक्सर कहता हूं, मुस्कुराओ 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 मुस्कुराओ, क्योंकि जिंदा आदमी मुस्कुराता है, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता है। मैं ये भी कहता हूँ कि मुस्कुराओ 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 मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, क्योंकि जब आप फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो फोटोग्राफर फोटो खींचने से पहले कहता है, आप तो बहुत मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज। आप चंद लम्हों के लिए मुस्कुराते हैं, आपकी तस्वीर सुंदर आती है। तरुण सागर ये बताना चाहते हैं कि आप हर हाल में मुस्कुराने की आदत डाल लो, जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय बन जाएगा। मदद करना सीखी, औरों की मदद करना सीखे, जैसा भी बहन किरण जी ने कहा, औरों की मदद करना सीखिए बगैर फायदे के, मिलना जुलना सीखिए बगैर मतलब के, जिंदगी जीना सीखिए बगैर दिखावे के, और मुस्कुराना सीखिए बगैर सेल्फी के। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है। हमारी मुस्कुराहट जब हमारे फोटो को इतना अच्छा कर देती है तो जीवन को कितना अच्छा कर देगी। कहते हैं ना कि या तो दीवाना हंसे, कौन हंस सकता है, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे,
वरना तो इस जिंदगी में मुस्कुराता कौन है। यह ताकत हमें ईश्वर देता है। इन सारे 84 लाख योनियों में मनुष्य ही तो एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। कभी किसी पशु को आपने हंसते हुए देखा हो? नहीं। मनुष्य इसी हंसते मुस्कुराते जीवन में आपसे एक प्रश्न है। अरे भैया गोपाल जी, आपकी नजर एक मिनट, गोपाल जी, बिल्कुल गोपाल जी, प्रवचन, आप कह रहे पशु को हंसने का वरदान नहीं है, मनुष्य को ईश्वरी वरदान है, वो हंस सकता है। और अगर कभी कोई जानवर आपको मुस्कुराते हुए दिख जाए, इसका मतलब है वो इंसान होने वाला है। अगर अगर कभी कोई जानवर हंसता मुस्कुराता दिख जाए, इसका मतलब है वो इंसान होने वाला है। और तरुण सागर जैसे लोगों के प्रवचन में बैठने के बाद भी अगर किसी इंसान को हंसी ना आए, समझ लेना वो ही होने वाला है। बहुत सुंदर मुनिषी, क्या बात है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। वास्तव में बड़े सुंदर समाधान मिल रहे हैं। बहरहाल एक और प्रश्न मुनिषी के सामने यहां प्रस्तुत करते हुए कि आदमी वैसे तो समस्याओं से घिरा हुआ है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी समस्या में होता है, मुश्किल में होता है। मुनिषी बताएं, आपकी नजर में आज की वर्तमान की दो बड़ी समस्याएं कौन सी है? मुनिषी मार्गदर्शन करें। दो समस्याएं कौन सी? देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, और समस्या के समाधान के लिए महावीर ने कहा तपस्या। समस्या के समाधान के लिए महावीर ने कहा तपस्या। लेकिन आज की आधुनिक युग की दो बड़ी समस्याएं जो मैं देखता हूं वो है मच्छर और मोबाइल। दो बड़ी समस्याएं वो है मच्छर और मोबाइल। मच्छर एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है, वो मच्छरदानी बनाता है, फैल हो जाता है। वो मच्छर छाप, वो क्या बे, कछुआ छाप अगरबत्ती बनाता है, फैल हो जाता है। इसके बाद में वो गुड नाइट बनाता है, फैल हो जाता है। इसके बाद वो अलाउड बनाता है, फैल हो जाता है। इसके बाद वो ऑडोमॉस बनाता है, फैल हो जाता है। लेकिन मच्छर से निजात नहीं पा सकता है। मेरा अपना मानना है मच्छर और मनुष्य में एक बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फर्क ये है कि मच्छर भी काटता है, मनुष्य भी काटता है। मच्छर भी काटता है, मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो सिर्फ खून पीता है, लेकिन जब मनुष्य काटता है पूरे खानदान को पी जाता है। और फिर मच्छर को कभी नहीं काटता, लेकिन मनुष्य को सदियों से काटता आ रहा है। कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, सदियों से काटता आ रहा है। आदमी को आदमी से बांटता आ रहा है। गुरुदेव का ये तो हुई पहली समस्या। अब दूसरी समस्या है, क्या है मोबाइल। दूसरी बड़ी समस्या आज के युग में परिवार को खंडित कर दिया। मोबाइल ने परिवार को खंडित कर दिया। परिवार में 10 मेंबर है तो 10 के 10 अपने अपने मोबाइल पर टच में बिजी हैं, और परिवार से उनका कोई टच नहीं है। सब टच में बिजी है पर परिवार से उनका कोई टच नहीं है। मोबाइल की भी कमाल की माया है साहब। मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर जितना आइडिया है उससे मैंने ये समझा, ये सीखा, ये जाना कि मोबाइल की माया भी कमाल की है। मोबाइल आया कैमरा खत्म। हर आदमी फोटोग्राफर बन गया, जिसको देखो वही फोटोग्राफर हो रहा है। मोबाइल आया कैमरा खत्म मोबाइल आया टॉर्च खत्म मोबाइल आया रेडियो खत्म मोबाइल आया कैलेंडर खत्म मोबाइल आया MP3 खत्म मोबाइल आया चिट्ठी पत्री खत्म मोबाइल आया
जिंदगी का सुकून खत्म। और अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में लग गया तो आप भी देखिए, मैं वैसी बात नहीं करता हूँ, आप समझदार हैं। तो ये दो समस्याओं को मैं आज के ज़माने में आधुनिक समस्याएं ये बड़े रूप में लेता हूँ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे अक्सर कहती है तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल गधे हो। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी किसी गधे के प्रश्न का जवाब दिया है? जी नहीं, आज पहली बार दे रहा हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। और वास्तव में अब जो प्रश्न मुनिषि के सामने हम पेश कर रहे हैं, आज के इसी अवसर का वो प्रश्न है। इतना सुंदर दृश्य आपके सामने है। मुनिषि आपके चरणारविंदों में ये निवेदन करते हुए कि भगवान महावीर के तप के प्रभाव से शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, आज ऐसा दृश्य क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए ऐसा दृश्य भी दिखाई देता है। आज के कार्यक्रम में भाजपा के मुख्यमंत्री वो भी इन्वाइट किया गया है, और आप दल के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और मनोहर लाल जी खट्टर, ये विरोधी दल के हैं। अगर ये यहाँ आते हैं तो क्या ये शेर गाय एक घाट पर पानी पीना नहीं हुआ? वाह वाह, क्या बात। ठीक है मुनिषि, अगला प्रश्न। कहा जाता है कि माँ जीवन है, माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं होता। कहते हैं कि दुनिया में जितने शब्द कलम से लिखे जा सकते हैं, जबान से बोले जा सकते हैं, मन से कहे जा सकते हैं, उसमें माँ सबसे प्रभावशाली शब्द होता है। लेकिन कहते हैं कि माँ जीवन है तो पत्नी जीवन संगिनी है। इसके अलावा आप इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं, माँ और पत्नी में? माँ जो जीवन है और पत्नी जीवन संगिनी है, क्या अंतर मुनिषि देखते हैं? मुनिषि आपको बताएंगे बड़े सुंदर तरीके से। परम पूज्य मुनिषि, माँ जीवन है, पत्नी जीवन साथी है, इसके अलावा और क्या अंतर है? माँ जीवन है, पत्नी जीवन साथी है, इसके अलावा और क्या अंतर है? आ गया। माँ जीवन है, पत्नी जीवन साथी है, इसके अलावा एक और बुनियादी अंतर है माँ और पत्नी में। और वो बुनियादी अंतर ये है कि माँ हमेशा बच्चे के पेट को देखती है कि पेट भरा है या नहीं, और पत्नी हमेशा पति के पेट को देखती है। आप इतने होशियार हो गए, मुझे मालूम नहीं था कि आधा मैं बोलूं आधा आप ही समझ जाते हैं। कमाल का है भाई ये तो बात। मुनिषि सब आपके शिष्य हैं, इसलिए सारा एहसास इन सबके मन में होता है। और यही वो लोग है कहा करते हैं कि जिसके खिलने से महक उठे पड़ोसी का भी घर, फूल कुछ ऐसा हर सिमत खिलाया जाए, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो, ऐसे अपना मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। क्या बात है, मुनिषि का यही तो संदेश होता है। और इसी संदेश के बीच में एक और थोड़ा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुनिषि 2019 में देश के आम चुनाव होने वाले हैं, उस संदर्भ में आप श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब लोग जानना चाहते हैं, इस विषय पर भी आपके विचार हमें प्राप्त हो। परम पूज्य मुनिषि, देखिए मोदी जी अच्छे आदमी हैं, नीतियां भी उनकी अच्छी है, नीयत भी अच्छी है, लेकिन एक बात के लिए मैं मोदी जी की आलोचना करूंगा। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विपक्ष में थे, मेरे सभाओं में कई बार आए, और जब भी आए उन्होंने पिंक रेगुलेशन, मांस कारोबार का विरोध किया, मांस निर्यात का जमकर विरोध किया, प्रहार किया। लेकिन अफसोस है जब वो सत्ता में है, देश के प्रधानमंत्री है, ताकतवर है, सारी ताकत उनके हाथ में है, तब उनके आने के बाद कांग्रेस पार्टी जितनी मांस निर्यात के लिए सब्सिडी देती थी उससे ज़्यादा सब्सिडी मोदी सरकार दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अफसोस की बात है, और इसकी आलोचना की जाना चाहिए। लाल किले पर मेरी सभा थी और वहाँ पर मैंने पूरे देश भर से हजारों
और पता नहीं मीडिया कहते 50,000 लोग थे, 1,00,000 लोग थे, आंकड़ों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन उस सभा में 150 साधु संत मेरे साथ मंच पर मौजूद थे। लाल कृष्ण अडवाणी साहिब, श्री वर्मा, शीला दीक्षित और तमाम नेता भी मंच पर थे। तब मैंने कहा था कि मानसरहित मत करिए, मोदी जी से मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे, मोदी जी से कह रहा हूँ कि मांस निर्यात आप बंद करिए, पशुओं का कत्ल देश के लोकतंत्र का कत्ल है, मांस निर्यात बंद करिए, मांस निर्यात बंद करिए, मांस निर्यात बंद करिए, मांस निर्यात बंद करिए, क्योंकि मांस का निर्यात करना हमारे देश की परंपरा नहीं है। क्योंकि जानवर को काट करके डिब्बा बंद मांस विदेशों में निर्यात करना और दौलत हथियाना, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। उस सभा में आज से 20 साल पहले मैंने कहा था मांस निर्यात बंद करिए, अगर आपको निर्यात ही करना है तो घी दूध का निर्यात करिए, अगर आपको निर्यात ही करना है तो हीरे मोती का निर्यात करिए, अगर आपको निर्यात ही करना है तो सोना चांदी का निर्यात करिए, और अगर निर्यात करने के लिए कुछ ना मिले तो इस देश में जितने भ्रष्ट नेता है उनका निर्यात कर दीजिए, और अगर देश से भ्रष्ट नेताओं का निर्यात हो गया, सिर्फ 5 साल में हम अमेरिका जैसे विकसित देशों के साथ कदम ताल करती हुई दिखाई देंगे, इतना हमारा देश विकास करेगा। इसलिए मैं मोदी जी से विशेष रूप से कहूंगा, सत्ता है, उनकी पार्टी है और आने वाला समय चुनाव का है, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जो भी इस समाज देश का अहिंसक समाज है, अहिंसा प्रिय समाज है, उन सब की ये भावना है और उन भावनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या होगा ये मुझे भी मालूम नहीं है, पता नहीं क्या होगा। चलिए स्वामी कहानी सागर यथार्थ के निदेशक, बड़ी गंभीर चर्चा यहाँ पर चल रही है, इस बीच एक छोटा सा अटपटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। अटपटा होगा तो जवाब भी चटपटा मिलेगा। जी जी महाराज जी, पता है मेरे घर के सामने एक कुमार रहता है, और आपने अभी अभी कहा एक गधा भी उसके पास है, सवेरे सवेरे वो बोलता है। भैया ये गधा बहुत आ रहा है, क्या बात है महाराज जी, मेरे बाजू में भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखते हैं गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हैं महाराज जी। हाँ बोलिए। और सवेरे सवेरे जब उठते हैं गधे, तब उस गधे के दर्शन होते हैं, यह शुभ है या अशुभ है, यह जिज्ञासा मेरे मन में है। गधे के लिए तो अशुभ ही है। गधे के लिए अशुभ है, मतलब मेरे लिए शुभ हो सकता है गधे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे दर्शन गधा करता है ना, तो अशुभ ही है उसके लिए तो। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन मोदी जी। मोदी जी हर तरह के प्रश्नों का इतना सुंदर सरलता से समाधान देते हैं, रजत शर्मा जी के आने का भी संकेत हो रहा है। इस बीच मैं मोदी जी से एक प्रश्न आज के संदर्भ में करना चाहूंगा। आज मोदी जी गुरु पूर्णिमा का बड़ा पावन दिवस है, और यहाँ गुरु परिवार बैठे हैं, वो हजारों भक्त जो पूरे देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। मोदी जी गुरु पूर्णिमा के मायने क्या है, जरा बताएं हमें। आज बहुत ही पवित्र दिन है गुरु पूर्णिमा का, जो दूसरों को गुरु मानता है वो दुनिया का गुलाम हो जाता है, जो दूसरों को गुरु मानता है वो दुनिया का गुलाम हो जाता है, पर जो अपने को गुरु मानता है दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। आज विशेष रूप से जिसे हम अपना आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उसका स्मरण करना चाहिए। आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज हमारे गुरु हैं, और उन्होंने मुझे चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, मोक्ष मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा तो उनकी इसमें अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है। मैं विशेष रूप से आज इस अवसर पर उनका स्मरण करता हूँ और नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे अनुज हैं, उनको भी मैं याद करना चाहूँगा, प्रसन्न सागर जी महाराज जो नए तपस्वी के रूप में उभरे हैं, उनका भी मैं स्मरण करता हूँ। हमारे पुराने सहयोगी है और छोटे छोटे तीर्थों के प्रणेता है मुनि श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज, उनका भी मैं विशेष रूप से स्मरण करता हूँ। और पुलक सागर जी महाराज जो प्रखर वक्ता है, ख्यातनाम संत है, उनका भी मैं स्मरण करता हूँ।
और सौरभ सागर जी महाराज है, वो भी हमारे प्रति बड़ा विनम्र भाव रखते हैं, उनका भी स्मरण करता हूँ। प्रमुख सागर जी महाराज है, अरुण सागर जी महाराज है, और भी संघ के साधु है, इसके अलावा और भी कई आचार्य है, मुनि हैं। आज हमारे बीच में दो दो मुनि यहाँ पर विशेष रूप से सिर्फ कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसे बहुत से मुनि हैं, आचार्य हैं, साध्वी है, जो हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं, उन सब का भी मैं स्मरण करता हूँ। और दिल्ली वासियों का, खास करके राधापुरी जैन समाज का, आप सबका मैं विशेष रूप से स्मरण करता हूँ। मुझे विश्वास है आप मुझे भूलेंगे नहीं, लेकिन मैं भी आपको भूलूंगा नहीं, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। गुरु परिवार के सदस्य दूर दूर से आए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूरी माँ हैं, और जो माँ है उसका स्थान क्या होता है वो अभी आपने सुना, किरण जी ने भी बताया, और मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ माँ के संबंध में, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने, किसी ने, किसी ने, किसी ने, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, स्वीकार होगा उसका जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। गुरु पूर्णिमा का बात तो गुरुदेव ने बताया, वास्तव में गुरु पूर्णिमा ये एक अद्भुत अवसर होता है, कहते हैं आषाढ़ मास में ही आती है, और गुरु तो पूर्ण चंद्र होते हैं, सूर्य होते हैं, मगर वो बादलों के बीच ढके हुए क्यों होते हैं? कभी ये सवाल एक बार गुरुदेव से किया गया तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय चंद्रमा तो पूर्ण चंद्र होता है और वो हमेशा प्रकाशित होता है, लेकिन जो शिष्य होते हैं वो आषाढ़ के बादलों की तरह उनको घेरे हुए रहते हैं, इसलिए ये मौसम होता है और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में आती है। गुरुदेव, हमारे दिल्ली वालों की तरफ से एक बहुत सुंदर प्रश्न है, पूरा देश आज सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है और अनेक अनेक देशों में यह प्रसारण जा रहा है, ये सब जानना चाहते हैं गुरुदेव। सारे चैनलों पे भैया, जिस तरह मोदी जी का भाषण, मोदी जी का भाषण होता है तो हर चैनल पे मोदी जी दिखते हैं, आज सारे चैनलों पे तरुण सागर, तरुण सागर दिख रहे हैं, सारे चैनल पर, सारे पूरी दुनिया में लगभग 122 देशों में इस प्रसारण लगाई है, ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, सारे चैनल यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्वयं सारे चैनल आप देख सकते हैं। और तो ये दिल्ली के लोग आज आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गुरुदेव, हमारी ये दिल्ली आपको कैसी लगी, जरा बताइए। दिल्ली कैसी लगी, हमारी दिल्ली आपको कैसी लगी, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे दिल्ली इनके बाप की हो। अरे भैया, ये हमारी तुम्हारी के चक्कर में मत पड़ो, ये दिल्ली पूरे राज, पूरे देश की है। मोदी जी कहते हैं ना, ये 1,30,00,00,000 जनता जनार्दन की, ये दिल्ली है। तो मेरा अपना मानना है कि सबकी है, इसमें रहने वाले सब लोग हैं, सबका इस पर अधिकार है और सब इसके प्यार करते हैं। तो अपना जो मन है वो देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। अभी अपने लिए तो सब जीते हैं, थोड़ा सा समाज के लिए जिए, थोड़ा सा देश के लिए जिए, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। मुनि श्री बड़े विशाल हृदय से कहते हैं कि दिल्ली किसी एक की नहीं है, कुछ लाख या एकाध करोड़ लोगों की नहीं है, दिल्ली तो सबकी है, क्योंकि एक दिली शब्द है, दिली शब्द माने जिनके पास भी दिल होता है वो अपने आप को दिल्ली में बसा हुआ ही महसूस करते हैं। तो बहरहाल एक बहुत ही सुंदर संदेश हमें मुनिश्री प्रश्नों के माध्यम से आज प्रदान कर रहे हैं, बड़ा अनूठा मुनिश्री का ये संकल्प है। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुनिश्री, एक और सवाल लोगों के दिलों में अक्सर बिजलियों की तरह कौन जाया करता है, लोग अक्सर ये पूछा करते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन की क्या परिभाषा हो सकती है आपकी नज़र में? लोग हमेशा परेशान होते हैं कि ये कैसे दिन चल रहे हैं, बहरहाल आप इन्हें बताएं कि अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, हाँ आ गया। नहीं, थोड़ा आने में टाइम तो लगता है ना, वो ट्रैफिक में क्या है ना, फंस जाते हैं विचार। अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे संबंध इस संबंध में सिर्फ ये कहना है, जिस दिन हमारे देश के नेताओं की नीति के साथ नियत अच्छी हो जाएगी, उस दिन अच्छे दिन अपने आप ही आ जाएंगे। और नीति
के साथ में अगर नीति के पीछे जो नियत है वो अच्छी नहीं होगी तो हम आप क्या भगवान भी चाहें तो भी अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं।